बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शाइज कुकिंग कॉर्नर। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। आज मैं आपको चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाना बता रही हूँ। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह बनाया जाता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा डो ली है, इसको मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ। मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, वहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे आधा कप स्वीट कॉर्न लिए हैं, आधा कप शिमला मिर्च लिया है रेड वाली, येलो वाली शिमला मिर्च ली है मैंने आधा कप, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक, यहाँ पे मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया 3 टेबल स्पून, मोजरेला चीज़ लिया, ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी प्याज ली है, जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। चिली गार्लिक सॉस लिया मैंने 3 टेबल स्पून, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऑरिगैनो ले लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। और मैंने यहाँ पे एक पिज़्ज़ा पैन भी लिया है, इसमें मैं पिज़्ज़ा जो है ना बेक करने के लिए रखूँगी। तो आइए पिज़्ज़ा को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, उसको मैं 3 टेबल स्पून जो मैंने यहाँ पे टिक्का मसाला लिया था वो लगा दूंगी, 1 टेबल स्पून जो मैंने ऑयल लिया था वो लगा दूंगी, जो मैंने नमक लिया था वो लगा दूंगी। और अब इसको अच्छी तरह मैं मैरिनेट करके ना तो रख दूंगी आधे घंटे के लिए, सब मिक्स करके। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, मैं इसको रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, मैं पिज़्ज़ा पैन में ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लूँगी। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, आप घी या बटर भी ले सकते हैं इसको ग्रीस करने के लिए। चारों तरफ से मैं इसको ग्रीस कर लूँगी। तो ये ग्रीस हो चुका है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा ले लूँगी, उसको मैं वर्किंग सरफेस पे डस्ट कर दूँगी इस तरह। अब डो को मैं इस पर रख दूँगी और हाथों से इसको मैं इस तरह फैला लूँगी। अब मैंने रोल पिन ली है, उसके साथ मैं इसको बेल लूँगी हल्का सा, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलना। इस तरह मैंने इसको बेल लिया है। अब इसको मैं पिज़्ज़ा पैन के ऊपर डाल दूँगी। अब इसको मैं रोल पिन के अंदर ऐसे करके फोल्ड कर लूँगी इस तरह करके, और आराम से इसको ऐसे ही उठा के मैं इसके अंदर ले आऊँगी। अब मैंने फोक लिया है, उससे मैं इस पे ना इस तरह हल्के हल्के निशान लगा लूंगी। अब मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और ब्रश पे लगा के मैं इसको ऊपर से थोड़ा पानी भी लगा दूंगी। इस तरह मैं इसको पानी लगा दूंगी। पानी मैंने इस पे लगा लिया है, अब इसको मैं ऊपर से कवर करके रख दूंगी प्रूफिंग के लिए। अब मैंने चिकन ले लिया है जो मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था, उसको इसको इसके अंदर डाल के पैन में पका लूंगी। चिकन यहाँ पे पक गया है, इसको अब मैं उतार लूँगी और ठंडा कर लूँगी। पिज़्ज़ा डो की यहाँ पे दोबारा से प्रूफिंग हो चुकी है। ओवन को मैंने 200 पे जो है प्री हीट करने के लिए पहले से ही रख दिया था। अब इस डो को मैं जो है बेक करने के लिए रख दूँगी ओवन में तकरीबन 12 मिनट के लिए। पिज़्ज़ा बेस जो है वो बेक हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून जितना ऑयल लगा दूंगी। आपने गरम गरम पे इस पर ऑयल लगाना है। इस पॉइंट पे आके आप इसको 1 हफ्ते के लिए जो है सेव भी कर सकते हैं। जब दिल किया आपका निकाला और इसके ऊपर टॉपिंग लगाई और इसको 5 मिनट के लिए आप ओवन में रखें और आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। इसको गरम गरम पे ऑयल को लगाना है। पिज़्ज़ा डो पे अब मैं चिली गार्लिक सॉस लगा दूंगी। और इसके नीचे अब मैं ये डाल दूंगी मोज़रेला चीज़।
चारों तरफ लगा दूंगी इसके। अब इस पे मैं शिमला मिर्च लगा दूंगी रेड वाली। ऑरेंज वाली शिमला मिर्च लगा दूंगी। कॉर्न डाल दूंगी। चिकन लगा दूंगी जो मैंने बना के रखा था। प्याज जो मैंने काटा है वो लगा दूंगी मैं। फिर इसके ऊपर चीज डाल दूंगी। ऑरेगानो डाल दूंगी मैं इसके ऊपर। और लास्ट में मैं इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। ये खूबसूरती के लिए डाल रही हूं मैं। अब इसको मैं ओवन में रख दूंगी। सिर्फ इसकी चीज मेल्ट करनी है मैंने। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको रख रही हूँ। चिकन टिक्का पिज्जा यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप इसे घर पे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।